She's dearest to me. तो फाइनली दोस्तों, भाईजान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने दूसरे हफ्ते में एंट्री मार ली है और इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों को क्या शानदार टक्कर दे रही है, कमाल है। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करते हुए आगे बढ़ रही है। तो आज जानेंगे कि फिल्म अभी तक कितना कमा चुकी है, टोटल कितनी कमाई कर सकती है, अभी भी फिल्म को कैसे रिव्यू मिल रहे हैं, फिल्म का हिट स्टेटस कैसा है, क्या फिल्म फ्लॉप होने वाली है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी सलमान के डाई हार्ट फैन हैं तब, और इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फैमिली ड्रामा और एक्शन से भरपूर फिल्म किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघर में जबरदस्त तांडव कर रही है, जिसको ऑडियंस विद फैमिली काफी एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मूवी को फराज सामजी के डायरेक्शन में लगभग 120 करोड़ के टोटल बजट में बनाया गया है, जिसमें आपको बेहतरीन स्टार कास्ट पूजा हेगड़े सेकंड लीड रोल में दिखेंगी भाईजान के साथ, साथ ही वेंकटेश डगुपति और जगपति जो मेन विलेन है, राघव जुयाल, शहनाज गिल, जस्सी गिल और रामचरण जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, फराज सामजी के डायरेक्शन में इस बार दम तो है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से इनकी कोई भी मूवी चल नहीं पा रही थी ढंग से, लेकिन सलमान के स्टारडम ने मूवी और डायरेक्शन को चार चांद लगा दिए हैं। दोस्तों, सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान जबरदस्त तांडव कर रही है सिनेमाघरों में, साथ ही बॉक्स ऑफिस पर भी। हर दिन एक नया रिकॉर्ड सेट करके फिल्म ताबड़तोड़ कमाई रोज अपने खाते में रख रही है। दूसरा, मूवी भी जबरदस्त है। समा पार्ट एक्शन ने जनता का दिल जबरदस्त लूटा है। एक्शन में जो डायरेक्शन हुआ है एक नंबर है भाई साहब, फराज सामजी की तरफ से। इस बार एक्शन का क्रिएटिविटी लेवल टोटल हाई लेवल है। जी हाँ, मूवी को एक एवरेज ओपनिंग लेते हुए पहले दिन 15 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन करी थी, वहीं दूसरे और तीसरे दिन हेटर्स की आलोचनाओं को रौंदते हुए शानदार कमाई अपने खाते में रखी थी और पहले तीन दिन में ही 68 करोड़ का बिग कलेक्शन अपने खाते में रख लिया था, जो कि एक हाई लेवल बजट रिकवरी कलेक्शन था। इसी के साथ अभी तक सेकंड बिगेस्ट ओपनर में अपना नाम दर्ज कर लिया है। भाईजान के स्टारडम ने और ईद के फुल एडवांटेज ने मूवी को पहले तीन दिन जबरदस्त बिजनेस दिया है। इसी के साथ चौथे दिन भी अच्छी खासी बूस्ट देखने को मिला और लगभग 10 करोड़ 50 लाख तक का कलेक्शन किया था, और अपने पांचवें दिन में 50% का डाउनफॉल के साथ 5 करोड़ 30 लाख तक का कलेक्शन किया था। वहीं अपने छठे दिन 4 करोड़ 70 लाख और अपने सातवें दिन भी कोई अच्छी कमाई करते नजर नहीं आई और लगभग 4 करोड़ का बिग कलेक्शन अपने खाते में रख पाई फिल्म। इसी के साथ पहले हफ्ते का टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 93 करोड़ के ऊपर सेट कर दिया था। दूसरी तरफ पूरी दुनिया से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शानदार करते हुए अपने पहले हफ्ते में 155 करोड़ के ऊपर आंकड़ा टच कर दिया था। बात करें आज डे 8 में कैसा सिनेरियो है फिल्म का, तो यस, आज पोनियन सेल्वन 2, एजेंट और बैड बॉय जैसी फिल्म रिलीज होने के कारण किसी का भाई किसी की जान का बॉक्स ऑफिस सिनेरियो बहुत ज्यादा डाउन देखने को मिल रहा है, लगभग 60% तक का डाउनफॉल। इसी के साथ एडवांस में बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जो लगभग 35 लाख का ही एडवांस अपने खाते में रखवाई है फिल्म, और मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी रेट लगभग 6-7% के साथ ग्रो कर रही है, जिसमें आफ्टरनून और इवनिंग में भी 7% तक का ही ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत स्लो ग्रो कर रही है फिल्म, और एंड ऑफ द डे लगभग 3 करोड़ की कमाई अपने खाते में रख लेगी मूवी। इसी के साथ पहले 8 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 96 करोड़ के ऊपर सेट कर देगी आंकड़ा, और पूरी दुनिया से लगभग 160 करोड़ के ऊपर आंकड़ा टच कर लेगी फिल्म। दोस्तों, किसी का भाई किसी की जान का डाउनफॉल तो अब देखने को मिल रहा है, बट हु नोज, कल शायद आंकड़ा फिर चढ़ जाए। तो दोस्तों, ये आप लोग बताएंगे कि क्या किसी का भाई किसी की जान अभी भी सर्वाइव कर पाएगी सिनेमाघरों में, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर देकर जाना। बाकी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।